जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जब वो हमें छोड़ जाता है तो बहुत दुख होता है। शायद बहुत सारी रातें रो के गुजारनी पड़ती हैं, बहुत दिल टूटता है और बहुत गुस्सा आता है, और फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब आप रोने लगते हैं। लेकिन मूव ऑन भी तो करना है ना, बाहर भी तो आना है ना। उसे माफ़ कर दो, माफ़ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। समझ तो आता है लेकिन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब रिश्ते टूट जाते हैं, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, कुछ मजबूरियाँ बीच में आ जाती हैं, तो उस इंसान को कैसे माफ़ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन इससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपको बता रही थी कि टूटे हुए रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता जो हमें बहुत दुख दे गया, बहुत परेशानी दे गया, उसमें फॉरगिव कैसे करें। समझ में तो हम सबको आता है कि माफ़ कर दो, लेकिन हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं, वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। टिप नंबर वन, उसे माफ़ कर दीजिए क्योंकि शायद वो आपकी वर्थ नहीं पहचान पाया। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कोई आपको इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि उसे लगता है शायद आप उसके पास आपसे बेटर ऑप्शन है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करने लगें। इस चीज़ को पहचाने कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और फिर अपनी वर्थ पहचाने। रिश्ते जब टूटते हैं, लोग अपने जीने का आसरा छोड़ देते हैं, अपनी वर्थ खो देते हैं। ज़रूरी है ये समझें कि शायद उसे मेरी कदर नहीं थी, शायद उसे समझ नहीं आया, और उसे माफ़ कर दें। जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो भार इतना ज़्यादा होता रहेगा कि आपका पास्ट आपको प्रेजेंट जीने नहीं देगा और आप फ्यूचर के बारे में तो डेफिनेटली नहीं सोच पाएंगे। टिप नंबर टू, उसे इसलिए माफ़ कर दीजिए क्योंकि वो ये नहीं समझ पाया कि आप उसकी गलतियाँ बहुत बोल्डली और बहुत स्ट्रांगली सहते हुए आगे बढ़ रही थी। इससे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को मोटिवेट करें, खुद पे प्राउड करें कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैंने उसकी वो छोटी छोटी खामियां नहीं देखी। उस लड़की ने मुझे इतना परेशान किया तो भी मैंने इसे इतना लंबे समय तक कंटिन्यू किया, इसका मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रांग था इस रिलेशनशिप में और वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे और एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं थी। उसे माफ़ कर दीजिए। टिप नंबर थ्री, उसे इसलिए माफ़ करें क्योंकि आप इतना सादा नेगेटिव लेने के लिए नहीं बने हैं, ताकि आपका दिल हल्का हो सके, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये ज़रूरी नहीं है, ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे माफ़ करना इसलिए है क्योंकि मैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। मेरे आंसू, मेरा दुख, मेरी नेगेटिविटी और मेरे आसपास वाले लोग जो अभी भी मेरी इतनी केयर करते हैं, वो सारे लोग, चाहे वो मेरे घर वाले हैं, चाहे वो मेरा ऑफिस स्टाफ है, वो सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उनके लिए मुझे अपने पुराने प्यार को माफ़ करना है। टिप नंबर फोर, माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप अपने केयर का स्टैंडर्ड और गिराना नहीं चाहते हैं। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो आपके एफर्ट्स 50-50 होते हैं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक एंड तक पहुंच जाता है तब वो आपकी तरफ से एफर्ट 90% हो जाते हैं और उसकी तरफ से 100। धीरे धीरे आपका केयर का स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाता है और इतना ह्यूमिलेटिंग आप कमेंट्स सुनने या वर्ड सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ आप उस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। तो माफ़ कर दीजिए कि अगर मैं उसके साथ कंटिन्यू करती तो शायद मैं अपनी वर्थ, अपने आप को इतना ह्यूमिलेटिंग वर्ड से कवर कर लेती, सारी गालियां, सारी गंदी चीजें सुनने के लिए भी एक्सेप्टेड रहती। माफ कर दीजिए कि उसने आपको फ्री छोड़ दिया, माफ कर दीजिए उसको कि शायद उसे नहीं समझ में आया कि एक रिश्ते में 100% कैसे दिया जाता है, उसे नहीं समझ में आया कि उसका वो 50% भी वो नहीं दे पा रहा था। माफ कर दीजिए क्योंकि मैं ज़रूरी हूँ, माफ कर दीजिए क्योंकि मेरे घर वाले ज़रूरी हैं।
मैं यहाँ माफ़ करने पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि जब हम बहुत रात को बैठ के रोते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि मूव ऑन की जर्नी कोई एक दिन की नहीं है, बार बार रोना, बार बार याद करना, वो तब तक रहेगा जब तक आप उसे माफ़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो माफ़ कर दीजिए उन सब चीज़ों के लिए उसे जहाँ उसकी गलती थी, माफ़ कर दीजिए खुद को कि शायद मेरी गलतियाँ कहीं कहीं हुई, माफ़ कर दीजिए क्योंकि हर रिश्ता जुड़ने के लिए नहीं बना होता। प्यार का मतलब पाना नहीं है, प्यार का मतलब देना है, प्यार का मतलब उसको उसकी आज़ादी देना है और प्यार का मतलब मुझे मेरी खुशियाँ देना है। तो ज़रूरी है कि खुद को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, खुद के भी आंसुओं को रुलाया ना जाए। रिश्ते जुड़ते बनते रहते हैं, सही रिश्ता चुनना आपकी जिम्मेदारी है। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि मूव ऑन कैसे करना है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी जब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आसानी से आप अपने टूटे हुए रिश्तों से मूव ऑन कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं आप लोगों से बहुत सारी और बातें करूँगी और बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आपसे जुड़ती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसे माफ़ कर दें।